पिवट टेबल में हम बात करते हैं ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे मेरे डेटा में देखिए न्यू दिल्ली डला हुआ है और नोएडा डला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि न्यू दिल्ली और नोएडा बेसिकली हम रिपोर्ट में एक ही दिखाना चाहते हैं, दिल्ली एंड एनसीआर। बट क्या है कि हमारे रिपोर्ट में ये हजारों जगह पे अलग अलग, तो यहाँ पे भी अलग अलग आया, तो यहाँ हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए कुछ नहीं, कंट्रोल प्रेस करके जितने भी आपके लेजेंड है आइटम्स है उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड आफ्टर देन आप यहाँ राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए, ये आपका ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिटी टू आ गया है, सिटी आ गया और सिटी टू, यहाँ भी देख सकते हैं सिटी एंड सिटी टू। तो यहाँ पे आपको सिटी को हटा दीजिए और रखिए यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे ग्रुप वन आ गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया दिल्ली एंड एनसीआर, दिल्ली एंड एनसीआर, तो ये आपका दिल्ली एंड एनसीआर का टोटल यहाँ से हो जाएगा। तो क्या ग्रुप हम टेक्स्ट को कर सकते हैं, नंबर को नहीं? जैसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी पे कितना सेल हुआ है, तो यहां दिख रहा है बन गया ग्रुप। देखिए यहां बन इसलिए गया क्योंकि मैंने ग्रुप कर रखा था पहले से, मैं इसको एक बार अनग्रुप करता हूं। आप जब किसी नंबर्स क्वांटिटी को में रखेंगे यहां पे तो कुछ इस तरह से आपका टोटल आएगा। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और यहीं पे हमने कर दिया ग्रुप, और ग्रुप में आपके जिस पिवट के अंदर में जो मिनिमम होगा और जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैंने क्या किया, इन मिनिमम मैक्सिमम को चेंज भी कर सकते हैं कि 0 से 100 के बीच में इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं, और एक कितने का ग्रुप बनाया ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन ओके कीजिए, आपके सामने आ गया कि 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस तरह से पूरा एक स्लेव आपको आ गया। और इसको आप उठा के चाहो तो कॉलम में भी रख सकते हो, जैसे मुझे अगर नेम वाइज चाहिए कि किस नेम क्या किस रेंज में कितना ऑर्डर हुआ है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा ग्रुप, डेट ग्रुप का। हम डेट को भी इसी तरह से ग्रुप कर सकते हैं, जैसे किसी भी डेट को उठा के मैं यहाँ रखूँगा तो इसी तरह से एक ग्रुप ईयरली या क्वार्टरली ग्रुप हो जाता है। अनग्रुप कीजिए तो डेट कुछ इस तरह से आता है, मुझे मंथ वाइज ग्रुप करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप मंथ को सिलेक्ट कीजिए, ग्रुप हो जाएगा। मुझे मंथ और क्वार्टर या ईयर वाइज ग्रुप करना है तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा। और चाहो तो इसको मूव भी कर सकते हो, इस तरह से क्वार्टरली दिख जाए या मंथली दिख जाए, इस तरह से आप मूव भी कर सकते हो। लेकिन मुझे अनग्रुप करता हूँ, मुझे ग्रुप चाहिए 15 डेज का, तो आप इस तरह से डेट पे क्लिक करें ग्रुप और यहाँ पे जो है आप डेज को सिलेक्ट करें, सिर्फ डेज को, डेज को सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और इसमें आप अपना 15 डाल दीजिए, हर 15 दिन का इस तरह से ग्रुप हो जाएगा, चाहे 90 दिन का या 30 दिन का या 28 दिन का, तो जो ग्रुप करना चाहते हैं वो इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। ओके तो नंबर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप एंड डेट एंड टाइम ग्रुप।